Hi and very very warm welcome once again to the channel. And today I will be sharing a little information, a little knowledge, a wisdom, a piece of my experience with all of you. And I've been getting so many messages for not being able to give time to making the videos, but constantly busy with my work and the healing work I've been doing, and the DNA Matrix program, the Children New Age, and Tuning Fork. So much is happening, and many people have asked me a question, so I will address one of the questions on energy today. So hi, my name is Richa, and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand the different languages of your body, mind and soul. सो वेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कोई कुंडलिनी एनर्जी की बात करता है, कोई चक्रा एनर्जी की बात करता है. मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, एंड देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन दी इंटरनेट कि हम हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या एनर्जी है, क्या कुंडलिनी शक्ति है, क्या चक्रा एनर्जी है. कभी बैलेंसिंग की, कभी अलाइनमेंट की, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है. बट मैं आज एक कॉमन मैन की भाषा में, कॉमन मैन को समझाने के लिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनर्जी. व्हाट इज़ एनर्जी? प्राण वायु, प्राण शक्ति, ये सभी शब्द हम सुनते हैं. बट एक सिंपल सी बात है, जिस समय बच्चा गर्भ में होता है माँ के, पहले 3 महीने में केवल और केवल, फर्स्ट टू एंड हाफ मंथ्स इट्स ओनली द ब्लड सेल्स एंड एवरीथिंग. बट तीसरे महीने में ऑलमोस्ट अराउंड बिटवीन 2 to 3rd month सोल की एंट्री होती है, यानी प्राणवायु. जैसे हम समझते हैं, कई लोगों के धर्म में मूर्ति पूजा होती है, इन हिंदूज यस. सो मूर्ति में भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. इसी तरह से एक बॉडी में प्राण आना, यानी शक्ति का आवाहन होना, दैट इज़ बेसिक सिंपल एनर्जी. और अगर वो प्राण शक्ति चली जाए तो हमारे शरीर स्थूल हो जाता है, यानी उसमें कोई प्राण वायु नहीं रहती. एंड ब्रीथ इज़ द मीडियम टू कनेक्ट. अब बहुत लोग चक्रास के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले उसका मूल आधार, यानी उन एनर्जी पॉइंट्स का जिनकी वजह से वो एनर्जी सर्क्यूलेट करती है, यानी हमारा एक ऑरा मंडल, हमारी एनर्जी पॉइंट, यानी हमारे जो सेंटर्स हैं, उसकी शक्ति किस तरह की है. एक हो गई हमारी प्रॉपर प्राणवायु, यानी सुषुम्ना, लेकिन उसको चलाने के लिए हर एक एनर्जी पॉइंट बना हुआ है, और हर एनर्जी पॉइंट के अपने अपने काम हैं. और सबसे बड़ी बात है, हमारी बॉडी, उसकी एक अलग भाषा है, हमारी माइंड की एक अलग भाषा है, और हमारी आत्मा की एक अलग भाषा है. आत्मा की भाषा को इंट्यूशन कहा जाता है, बॉडी की लैंग्वेज को आप इमोशंस कह सकते हैं, और माइंड की लैंग्वेज में इट्स अगेन इमोशंस. बट देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द वर्ड कॉल्ड फीलिंग्स, जो लोग नहीं समझ पाते. हम हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स को एक जैसा समझते हैं, दैट दे बोथ आर टुगेदर, दे बोथ आर सेम. लेकिन मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स. आपको गुस्सा आया, यू गॉट एंग्री इज एन इमोशन, बट यू गॉट एंग्री बिकॉज यू फेल्ट स्टूपिड इन दैट सिचुएशन. आप ऐसा फील किया आपने कि आप बेवकूफ थे, बट जब वो सिचुएशन होती है तो हम महसूस नहीं कर पाते कि हमने क्या फील किया, खाली हम रिएक्शन करते हैं. सो रिएक्शन इज एन इमोशन. सो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस यू फेल्ट एंग्री, यू फेल्ट ओवरवेल्म, यू रिएक्टेड, सो दैट्स एन इमोशन. तो हमारे जो ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, उसी के आधार पर ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं एड्रेनलिन, डोपामिन, कोर्टिसोल, ये सब हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन डिस्चार्ज करता है, और हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज ऑल्टर हो जाती है. और जब हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज ऑल्टर होती हैं, तो हमारे शरीर में जो प्राणवायु है, यानी ब्रीथ, अलग अलग तरीके से होती है. कभी आपको गुस्सा आता है तो आपकी ब्रीथ, पसीना आना शुरू होना. तो ये कॉम्बिनेशंस हैं आपके डिफरेंट पंच तत्वों का, आपके शरीर में कॉम्बिनेशन का बिगड़ना, बैलेंस कम ही हो पाता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ, हमारी बॉडी बहुत सारे अलग अलग शॉक्स में जाती है. जैसे आपको किसी को पसंद ना आना,
आपके सामने उसके इंसान का आ जाना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो केमिकल्स रिएक्ट करती है जो कि आप डे टू डे लाइफ में महसूस भी नहीं करते कि ऐसा आपके शरीर में हो रहा है, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी और इतने ऑक्यूपाइड होते हैं काम करने में कि हम उस समय ये सब चीज़ें महसूस नहीं कर पाते, पर बॉडी वो शॉक्स ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करती रहती है और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी में डिस्टर्बेंस आती है और एनर्जी में डिस्टर्बेंस आने से हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है, यानी केमिकल एल्केमी होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, और केमिकल कॉम्बिनेशंस के शिफ्ट होने से आप वातपित्त कफ जैसी जो आयुर्वेद ने बताया उस तरह की अलग अलग कॉम्बिनेशंस अलग अलग पंच तत्व बनाते हैं और हमारी बॉडी में डिजीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी के जीवन में उसका यह महसूस कर पाना कि वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो बॉडी सर्टेन केमिकल्स रिएक्ट करती है जिसकी वजह से ये प्राणवायु या प्राण शक्ति डिस्टर्ब होती रहती है, क्योंकि वायु हर एक चीज़ को प्रोपेल करती है, यानी आपकी जो शक्ति है, आप किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से चॉइस करते हैं, किस तरह से आप अपने क्रियाओं को करते हैं डे टू डे लाइफ में, उस तरह से आपकी शक्ति यूज़ होती है। सो आई होप कि एक बेसिक सिंपल वीडियो में मैंने आपको समझा पाई कि व्हाट इज़ एनर्जी और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और एनर्जी जो है हमको डे इन एंड डे आउट चाहिए होती है। आपको भी महसूस कीजिएगा जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे यू फील सो टायर्ड बिकॉज योर बॉडी इज़ कम्प्लीटली ड्रेन्ड फ्रॉम दैट एनर्जी, तो आपके प्राण में या शक्ति में या एनर्जी में वो तेज ही नहीं होता है। सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस जितनी भी रिलीजन है वो सभी बोलते हैं गुस्सा आपका दुश्मन है, एंगर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि वो आपकी ही शक्ति को स्थूल कर देता है यानी कम कर देता है। सो टू मेंटेन योर एनर्जी प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ मेडिटेशंस, राइट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, राइट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे अलग अलग इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई प्रश्न है इस एनर्जी से रिलेटेड या कोई आपके लाइफ में ऐसा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं या आपके किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड एवरी मंथ हम मून मेडिटेशंस करते हैं ड्यूरिंग द फुल मून। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको मेडिटेशंस करना अच्छा लगता है या अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस एंड फॉर द नोटिफिकेशंस, एंड आई होप टू सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग, and rise and shine in your life, and I'll see you in the next one.